सत श्रीकाल, स्वागत है जी। अज का शो खास है जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स वास्ते, जिन्होंने जनवरी इनटेक वास्ते अप्लाई करता है। सो गल करांगे उन्होंने रिजल्ट्स की, किन्नी देर तक रिजल्ट आ जाएंगे, किस रफ्तार नाल आ रहे हैं रिजल्ट जनवरी इनटेक के। साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरैक्टर रणजीत सिंह पर, स्वागत है। मेहरबानी जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस नूं सत श्री अकाल जी। रणजीत जी, जनवरी इनटेक वालियां दे रिजल्ट दा पैटर्न किस तरीके नाल देख रहे हैं, कि वो भी किते ना किते बाकियां नूं थोड़ा स्लो है या फास्ट आ रहे हैं? दीपक जी, जिहड़ी प्रेफरेंस हुंदी ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जदों भी रिजल्ट की आपां गल करिए। हाँ, रैंडम बेस से आते रहेंगे ने, वो वक्री गल है, लेकिन अगर पैटर्न नूं आपां समझीए तां IRCC दा जो प्राइम फोकस हुंदा ना, वो अपकमिंग इनटेक के उत्ते हुंदा। कहने की गल है कि हुण सितंबर चल रहा है, सितंबर खत्म नहीं होया, तां उहनां दा जो प्राइम फोकस है वो अजे भी जनवरी से नहीं शिफ्ट होया, अजे भी सितंबर द, क्योंकि कई दी क्लासा जी सितंबर एंड च भी है, तो अजे सितंबर इनटेक के सारे रिजल्ट आए नहीं, डेफर हो गए जनवरी के रिजल्ट। हाँ, मैं उस चीज़ पर आ रहा, तो फोकस जो सितंबर से होंगे, लेकिन हूँ जिदा जिदा सितंबर खत्म हो रहा, नाल ही नाल फोकस चेंज होकर जनवरी वाले पास डिवर्ट होना भी स्टार्ट हो गया। वह एक प्रूफ की है कि जनवरी वाले कुछ बच्चों ऑलरेडी PPR आ चुकिया ने। जी हाँ, जनवरी के रिजल्ट जोड़े आ रहे हैं, लेकिन अजे इन्नी ज़्यादा स्पीड कोई जनवरी के रिजल्ट की नहीं हैगी, वधेगी ये अगे चल के इनक्रीज़ होणगे कदों सितंबर खत्म होने तो बाद अक्तूबर स्टार्टिंग दे विच प्राइम जिहड़ा फोकस है वो, क्योंकि बच्चे जिहड़े डैफर कर चुके होणगे, जिहदा सितंबर तक रिजल्ट नहीं आया वो डैफर कर चुक्या है, वैरी ओबियस हुण जनवरी का ही है, तो प्राइम फोकस जिहड़ा वो शिफ्ट होकर जनवरी वल हो जाएगा, एंड जनवरी इनटेक के जिहड़े रिजल्ट ने उहदी स्पीड जिहड़ी आ वधनी स्टार्ट हो जाएगी, डिपेंड करेगा वीज़ा स्टैंपिंग। जी हाँ, वीज़ा स्टैंपिंग नो डाउट राइट ना ओपन हैगी, लेकिन वीज़ा स्टैंपिंग की स्पीड पर भी डिपेंड करता किन्नी फास्ट PPR आनी आ, क्योंकि बच्चों ने आप पिछले देखिया जदों वीज़ा स्टैंपिंग दे विच दो दो जे आप करिए 3-4 वीक लग रहे थे, तो PPR की स्पीड में घट गई सी, लेकिन जो थोड़ा हम टाइम घटिया है तो PPR की स्पीड भी बढ़ जाती है। सो इदा वेरी करता रहा, ऑन इनिशियल फेज बच्चे घबराण ना, मैंने पता बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने जनवरी की फाइल लगाए 2 महीने हो चुके होंगे, तुसी अक्तूबर में टेंशन नहीं लैनी, अक्तूबर से रिजल्ट स्लो आने, मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा, अक्तूबर से रिजल्ट जनवरी के ठीक ठाक स्पीड ना रहेंगे, नवंबर ऑनवर्ड तो अच्छी खासी जी स्पीड है वो जनवरी टेक की देखने को मिलेगी। PPR दीपक जी, टाइमली का मतलब है कि इनटेक स्टार्ट होने तो मिनीम 2-3 महीने पहला फाइल लग जाए, ईवन 3 महीने तो पहला फाइल लग जाए, आप कहने की टाइमली फाइल लगी है, इस तो पहला भी बच्चों ने लाइया हुई हूँ, यदा इंपैक्ट सीधा सीधा पैंता, जिहड़ा तो टाइमली फाइल लगाऊगा वो टाइमली अपने बायोमैट्रिक करा लूगा तो वेटिंग च पै जाएगा, लेकिन नाल ही नाल ये भी चीज़ देखने वाली, देखो IRCC का पैटर्न है, आपां की करना, क्योंकि कई बच्चे इस गल नाल एग्री नहीं करनगे, कहन गए जी मेरे सर्कल सीगा, असी सितंबर च फाइल लाई सी, मैं 4 महीने पहला लगाई, मेरे दोस्त ने लाई जाके अगस्त दे विच, तो उहदी PPR भी आ गई, मेरा अजे तक रिजल्ट नहीं आया। रैंडम केसिज ने, रैंडम बेस से इदा, बट इहदा मतलब ये नहीं है कि सारे जिन्होंने बाद च फाइल लगाई उन्होंने रिजल्ट आए, तुम नोट करोगे जिहड़े बाद च फाइल लगाई काफ़ी के रिजल्ट आए, लेकिन काफ़ी है जिन्होंने डैफर करना ही पिया, सो पहला वाले भी रिजल्ट आए डैफर भी करना पे, टोटली रैंडम चलना, आप ये नहीं वेट करनी कि मैं बाद जाके फाइल लगाऊंगा तो शायद जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, आपां ड्यूटी की है आप एक्सट्रा टाइम पहला लैके 3-4 महीने पहला लैके अप्लाई कर देना, हूँ जो जनवरी के फाइल लगा रहे, मेरी एडवाइस है सितंबर एंड तक तुहाडी फाइल एंबेसी च लगते तो बैटर रहेगा, रिजल्ट वास्ते तुहाडे को ऑलमोस्ट 2.5 महीने का टाइम होएगा, 2.5 महीने मैं तां कह रहा क्योंकि दिसंबर से ट्रैवल भी करना, PPR भी आनी, तो तुहाडे को 2 ही महीने बचे वीज़ा स्टैंपिंग करवाउण नूं ते बाकी काम कर ली, सो सितंबर एंड तक तुहाडी फाइल जी लग जानी चाहिए है। जे आप जनवरी इनटेक पर आईए तो जनवरी इनटेक का एडमिशन अजे भी कुछ कॉलेज का ओपन हैगा, सारे बंद नहीं हुए लेकिन काफ़ी हद तक बंद भी हो चुके हैं जनवरी टेक ली, तो एडमिशन जनवरी का जिदे को सारा कुछ रेडी पिया विद इन 10-15 डेज वो अपना प्रोसैस करके सितंबर एंड या अक्तूबर स्टार्टिंग अपनी फाइल लगा ले, बैकअप लिए अपनी बायोमैट्रिक की अपॉइंटमेंट कर ले। हूँ अगे दीपक जी मई के ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, सितंबर तो बाद फिर मई इनटेक भी ओपन हो जाना, यह प्रोसैसिंग जी इदा चलती रहनी, तुम जिन्ना पहला हो सके अपनी फाइल लगाने की जी कोशिश जरूर करो। सो दोस्तों, जिवें कि रणजीत जी ने दस्या, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करन कि मई इनटेक की बजाय जनवरी च एडमिशन लैन की कोशिश करो। धन्यवाद धन्यवाद जी।